गाइज, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों इन पांच जेनरिक क्रीम के बारे में। कौन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन आपको यूज़ करनी चाहिए, या फिर दोस्तों क्या इनमें डिफरेंस है। तो दोस्तों कम्प्लीटली आज इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। वैसे दोस्तों मैंने इन क्रीम के सारे रिव्यूज़ आपको अलग सी वीडियोज़ में भी प्रोवाइड कर रखे हैं, लेकिन आपको फिर भी अगर कोई डाउट रह गया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेडिकल जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपसे उसका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इन क्रीम के बारे में। ये दोस्तों पांचों के पांचों क्रीम जेनरिक क्रीम है और दोस्तों सबसे ज़्यादा बिकने वाली मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्रीम है। ये दोस्तों आप लोग भी सभी जानते ही होंगे। ये दोस्तों आती है डर्मिफोर्ड, जो आती है लिवोर्ड की है। क्लोविटा जीएम जो आती है वो है दोस्तों आपका लैबोरेट फार्मा की। डर्मिकेम ओसी जो आती है ये एल्केम फार्मा की है। और फोर्ड्रम जो आती है वो सिप्ला की है। और जो कैस्टर एनाफ आती है ये है दोस्तों ये भी आपकी लिफोर्ड फार्मा की आती है। ये दोनों क्रीम दोस्तों लिफोर्ड फार्मा की है और ये दोस्तों प्योर जेनरिक है। इसमें कोई भी एथिकल प्रोडक्ट नहीं मिला है दोस्तों, ये सारे जेनरिक ही देखने को मिलता है दोस्तों। ये आपको इजीली अवेलेबल लगभग हर एक मेडिकल स्टोर में आराम से उपलब्ध हो जाता है दोस्तों। बेसिकली लोग हर कोई फंगल खाज खुजली के लिए इन्हीं क्रीम को यूज़ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कैस्टर एनाफ के बारे में। दोस्तों इसमें आता है आपका अफ्लॉक्सासिन, ओरिंडाजोल, टर्बिनाफाइन एंड क्लोबिटासोल, जिसमें तीन से चार कंपोनेंट इसमें डाला गया है। अफ्लॉक्सासिन इसमें एंटीबायोटिक है, ओरिंडाजोल भी इसमें एंटीबायोटिक है, टर्बिनाफाइन इसमें एंटी फंगल क्रीम है दोस्तों, एंटी फंगल सॉल्ट है, और क्लोबिटासोल इसमें एस्ट्रॉयड डाला गया है। तो दोस्तों एस्ट्रॉयड इसमें सारी क्रीम में आपको लगभग सारी क्रीम में मिलेगा दोस्तों। फोर्ड्रम की बात करते हैं दोस्तों, इसमें भी आपका क्लोबिटासोल मिलता है, नियोमाइसिन मिलता है और मिकोनाजोल मिलता है, जो मिकोनाजोल एक एंटी फंगल है, नियोमाइसिन एंटीबायोटिक है, और क्लोरोहेक्साडिन ग्लूकोनेट एक दोस्तों एंटीसेप्टिक एंड स्किन बैक्टीरियल के लिए यूजफुल होता है दोस्तों। जो नेक्स्ट की क्रीम है दोस्तों वो है डर्मिकेमोसी, इसमें भी आता है क्लोबिटासोल, नियोमाइसिन एंड मिकोनाजोल। दोस्तों ये वाला सॉर्ट जो आपको मिलता है ये पेनड्राइव प्लस प्लस में भी आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ये आती है दोस्तों क्लोबिटा जीएम, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज भी कर चुके होंगे। ये दोस्तों इसमें आता है क्लोबिटासोल जो एक एस्ट्रॉयड है, नियोमाइसिन एक एंटी बायोटिक है और दोस्तों एंटीबायोटिक है, और दोस्तों मिकोनाजोल आता है एक एंटी फंगल है दोस्तों। जिंक ऑक्साइड एंड बोरेक्स क्रीम इसमें अवेलेबल होता है दोस्तों। बोरेक्स क्रीम जो होता है वो एमल्सिफिकेशन के लिए होता है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है, इसका रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। बेसिकली लोग इसको जैसे जो पानी की वजह से पैरों में दाग वगैरह हो जाते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। इन तीनों चारों क्रीमों में लगभग सेम सेम कॉन्टेंट देखने को लगभग मिल जाते हैं आपको, लेकिन जो डिफरेंट कॉन्टेंट मिलता है वो है आपका डर्मिफोर्ड में। क्लोबिटासोल तो आपको लगभग सेम मिलता ही है, जो कंटेंट एंटीबायोटिक मिलता है जेंटामाइसिन, एक टर्नोफेट मिलता है जो एंटी फंगल है, और लोडोक्लोरोक्विनोल मिलता है ये भी एक एंटी फंगल के रूप में काम करता है, और क्लोट्रिमोकाजोल भी एक एंटी फंगल इसमें डाला गया है। तो दोस्तों ये है इनके कंटेंट के बारे में कंप्लीटली जानकारी दोस्तों। काफ़ी अच्छी क्रीम है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है, मेडिकल स्टोर में इजीली अवेलेबल भी आपको हो जाती है। तो दोस्तों पांचों क्रीम में लगभग क्लोबिटासोल तो आपको हर एक क्रीम में मिल जाता है दोस्तों। जो एस्ट्रॉयड क्रीम है, जो दोस्तों नियोमाइसिन आपको मिलता है वो है आपका फोर्ड्रम में, दूसरा जो आता है डर्मिकेम ओसी में, और क्लोबिटा जीएम में भी आपको नियोमाइसिन एंटीबायोटिक है वो लगभग आपको हर एक में इसमें मिल जाता है। मिकोनाजोल मिलता है दोस्तों आपको फोर्ड्रम में और डर्मिकेम ओसी में और क्लोबिटा जीएम में। तो दोस्तों ये इसमें डिफरेंट आपको तीनों लगभग इन तीनों में लगभग सेम ही कंटेंट होते हैं। नियोमाइसिन है और फोर्ड्रम में भी आपको नियोमाइसिन मिलता है एंटीबायोटिक, और दोस्तों इसमें मिकोनाजोल एंटी फंगल है, इसमें भी एंटी फंगल मिकोनाजोल है, और इसमें भी एंटी फंगल मिकोनाजोल है दोस्तों। इसमें एंटी फंगल आता है दोस्तों टर्बिनाफाइन है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों, और अच्छी इसके यूजेस भी हैं दोस्तों। इसमें आपको दो से तीन एंटी फंगल साल्टी मिलते हैं, तो फंगल के लिए काफ़ी अच्छी क्रीम है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है इसके दोस्तों, और रिजल्ट भी इसका अच्छा देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ चारों पाँचों कॉन्टेंट लगभग मिलते जुलते ही हैं, लेकिन आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों डर्मिफोर्ड का। लेकिन अगर आपका फंगल वगैरह है तो आपको यही क्रीम यूज़ करनी चाहिए सबसे पहले। लेकिन मैं आपको ये एक एडवाइस ये भी दे दूंगा, अगर आपके फंगल काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं और काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो आप इन क्रीम का कोई सी क्रीम का भी यूज़ मत करिएगा, आपके फंगल को बढ़ा सकता है, क्योंकि क्लोबिटासोल है और आपको एस्ट्रॉयड इसमें यूज़ नहीं करना चाहिए,
फंगल में। तो दोस्तों अगर आपको सामान्य सी खुजली खाज खुजली है तो उसमें आप इन क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो टॉप लेवल क्रीम को मैं मानूंगा वो है दोस्तों डर्मिफोर्ड क्रीम को, आपको इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा फंगल के साल्ट वगैरह डाले गए हैं, फंगल के पर्पज़ से ये बनाया गया है। खुजली वगैरह में भी काफ़ी अच्छा इसका रेट देखने को मिलता है दोस्तों। उसके बाद आपको मिलता है दोस्तों कैस्टर एनअप को आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए क्योंकि ऑफ्लॉक्सेसिन है और इंडाजोल, इसमें आपको दो कंटेंट इसमें डाले गए हैं, दोनों एंटीबायोटिक है। और टर्बिनाफाइन जो इसमें एंटी फंगल है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, जो टर्बिना फोर्स या इस नाम से भी आपको मिल जाता है एथिकल में। क्लोबिटासोल इसमें भी आपको मौजूद हो जाता है जैसे मैंने आपको बता रखा है। और दोस्तों उसके बाद आपको मिलता है दोस्तों एक ये फोर्ड्रम जो यूज़ करनी चाहिए जो काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको एस्ट्रॉयड मिलता ही है क्लोबिटासोल, नियोमासिन और मिकोमिनाजोल के साथ आपको क्लोरोहेक्सेटिन ग्लूकोनेट भी मिलता है जो घाव वगैरह को भरने में भी काफ़ी अच्छा होता है। गाइस तो चौथे नंबर पर जो क्रीम लेना चाहूँगा मैं वो है दोस्तों क्लोबिटा जीएम जो आती है 10 ग्राम की, आपकी लैबोरेट फार्मा की है तो दोस्तों ये जेनरिक है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है आपके फोड़े फुंसी फंगल वगैरह जटे कुटे किलाड़ों में भी, सब में आप इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्लोबिटासोल तो है ही दोस्तों, एस्ट्रॉयड है, जो नियोमेसिन आता है एक एंटीबायोटिक है और मिकोमिनाजोल होता है एंटी फंगल है, लेकिन इसमें आपको मिलता है जिंक ऑक्साइडेंट बोरेक्स क्रीम जो काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और ये दोस्तों इम्यूनिफिकेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो काफ़ी अच्छी क्रीम है दोस्तों, आप बेसिकली लोग इसको उंगलियों में जो पानी की वजह से हो जाता है फंगल वगैरह तो उसके लिए काफ़ी अच्छी क्रीम है, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। जो लास्ट में आता है वो है दोस्तों डर्मी केम ओसी जो आता है, इसमें दोस्तों ये पेंड्रम का ही सब्स्टिट्यूट है, ये दोस्तों पेंड्रम में आता है एथिकल क्रीम में मिल जाता है दोस्तों 15 ग्राम का, और दोस्तों इसमें भी क्लोबिटासोल नियोमाइसिन एंड मिकोमिनाजोल है जो काफ़ी अच्छे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डाले गए हैं क्योंकि इसमें नियोमाइसिन एंटीबायोटिक है और मिकोमिनाजोल एंटी फंगल है, क्लोबिटासोल एस्ट्रॉयड है। तो दोस्तों ये खाज खुजली वगैरह में ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, हाँ हालांकि फंगल में काफ़ी अच्छा इसका रेट देखने को मिलते हैं दोस्तों किसी किसी फंगल में, अगर वो भी लाइटली यूज़ हैं दोस्तों। अगर आपको लंबे समय तक फंगल है तो आप इन क्रीम का कोई किसी का भी क्रीम यूज मत करिएगा, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। गाइस ये था कुछ इस क्रीम के बारे में कंप्लीटली जानकारी दोस्तों, ये क्रीम मैंने इनके हिसाब से 5 वीक क्रीम के हिसाब से आपको बताया है कि कौन सी क्रीम आपको अच्छी है, लेकिन और क्रीम के बारे में आपको अलग अलग मिल जाएगा उसके बारे में रिव्यू, इनके क्रीम के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने दे रखी है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलता है नए वीडियो के साथ, ओके बाय टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।